दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHEL, जी हाँ दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकल रखी है। तो यहाँ पे जो है अभी इसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, जहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे ये बताया गया है क्या इंपॉर्टेंट डेट है, कब से फॉर्म जो है एलिजिबल होगा, मतलब ये फॉर्म जो है कब से लिंक जो है एक्टिवेट होगा। तो इसके बारे में मैं जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगा, और इसका जब फर्दर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जो है एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। सो दोस्तों उस वीडियो की आप ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल में और भी बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसीज जो है अपलोड है, जहां पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप जो है उन वीडियो को देख सकते हैं, उनकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आ रखी है BHEL में, उसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी आ रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सुपरवाइज़र का पोस्ट है दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट में आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, सुपरवाइज़र के फाइनेंस डिपार्टमेंट वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है 40 रखी गई है, जिसमें जनरल्स के लिए 25, EWS के लिए 2, OBC के लिए 10, SC कैटेगरी के लिए 2, ST के लिए 1 यहाँ पे रखा गया है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। देन दोस्तों यहाँ पे जो ये फॉर्म होगा वो एक्टिवेट होगा आपका 5 अप्रैल 2021 को, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों 26 अप्रैल 2021 जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट भी दे रखा है 23 मई 2021। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पे क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके रिगार्डिंग जो है 5 अप्रैल को जो है इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तब जो है मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। अभी दोस्तों ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसके तहत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं और ग्रेजुएट इन द फाइनेंस फील्ड में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पर आया हुआ है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप जो है इस वीडियो को, जो आने वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें हम जो है एग्जामिनेशन पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग देनी थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।